में सिदादे पोलियो मुहिम शुरू हुई। 3,90,00,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया। ताहम मुबैना तौर पर रिएक्शन पेशावर में हुआ। पेशावर के इलाके बुटभेड़ और माशुखेल के निजी स्कूलों में सिदादे पोलियो के कतरे पीने से तलबा की हालत गैर हो गई, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत पर हॉस्पिटल लाया गया। वालदैन ने जायदुल मियाद वैक्सीन पिलाने का इल्जाम आयद किया। ये तो जना हुकूमत की काम है जो ना पोलियो को कतरे पिलाते हैं, और जो बंद है नहीं पिलाते वो जबरदस्ती पिलाते हैं। अभी देखो ये तकलीफ किसको होता है। तुम्हारा वजीर साहब जो है वो घर में बैठे हुए वहाँ से फोन करते हैं और आके कहते हैं कि भाई मैं वहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे कौन आया है मुझे बताओ, कोई एक वजीर यहाँ पे आया है? ये स्कूल में है, तुम स्कूल में इस जबरदस्ती पर टीचरों में इस पर जबरदस्ती पर फैला तो है। अस्पताल में बच्चों को मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। वालदैन ने बाहर से महंगी अद्वियात मंगवाने का इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने डेट नहीं देखी थी जब वो लोग पोलियो के कतरे दे रहे थे, क्या वजह थी भाई देकर नहीं दिए? स्कूल में कतरे पिए थे, इसका दिल भी खराब हुआ था, उल्टी भी लगी, अभी इसके पैरों में दम नहीं है। अगर अफवाह है तो ये लाखों लोग आप लाखों बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लोग पागल हैं आए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के हैं, लेकिन ये लोग कोई चीज़ नहीं मिल रही है, रास्ते बंद हैं, कुछ BRT की वजह से लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे तबो बर्बाद हो रहे हैं। आप आके हाल तो देखें इन बच्चों का, आप लोग कह रहे हैं अफवाह अफवाह, अगर ये अफवाह है तो ये लाखों बच्चे इधर क्या कर रहे हैं? अस्पताल जराए के मुताबिक तमाम बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है, खतरे वाली कोई बात नहीं। कई बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, बाकी बच्चों का इलाज जारी है।